दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे रिव्यू एक बजट एंड्रॉइड फोन का जो कि है स्वाइप की तरफ से। ऐसे में इस नए फोन का रिव्यू अनबॉक्सिंग आपने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पे देख ली होगी, तो इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूं, लेकिन इस फोन का जो रिव्यू हम करेंगे इस वीडियो के अंदर वो रखेंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे जिसके बेसिस पे आप जान पाएंगे कि ये स्वाइप का नया फोन जिसका नाम है स्वाइप एलाइट सेंस कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू को और सबसे पहले हम बात करेंगे इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से एक अट्रैक्टिव डिजाइन इस फोन मिलता है। यहां पर पीछे की तरफ आपको एक मेटल लुक एंड फील मिलती है, हालांकि ये पीछे की तरफ पूरा प्लास्टिक है और प्लास्टिक होने के साथ साथ यहां पे एक ग्लॉसी जो है फिनिशिंग दी गई है, तो उसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्मजेज और साथ ही साथ थोड़ा सा स्लिपरी ये फोन हो सकता है ओवर टाइम। अगर हम बात करें टॉप पार्ट की, तो टॉप पार्ट में यहां पे पीछे की तरफ कैमरा मिलता है और ये जो पार्ट है ये भी प्लास्टिक है, तो पीछे की तरफ से पूरा प्लास्टिक का फोन है और आगे की तरफ आपको मिलता है 5 इंच का डिस्प्ले जो कि एक ग्लास के साथ आता है। इस ग्लास की प्रोटेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ग्लास का जो साइज है वो है 5 इंच का। तो 5 इंच का HD डिस्प्ले आपको मिलता है इसमें और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है जिसके एक डिसेंट व्यूइंग एंगल्स आपको मिल जाते हैं। डिस्प्ले क्लैरिटी की बात करें तो इंडोर में आप आराम से इस डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं, आउटडोर में थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आप डिस्प्ले पे कुछ भी पढ़ना चाहते हैं। बात करें कैमरा की, तो पीछे की तरफ मिलता है 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा, आगे की तरफ मिलता है 5 मेगापिक्सल का फिक्स फोकस कैमरा। तो ऐसे में कैमरा यहां पे जो मिलते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि लो लाइट में जब आप फोटोज लेंगे तो आपको नॉइज देखने को मिलेगी। हालांकि ये फोन एक अफोर्डेबल प्राइस पे आता है और अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से जो कैमरा इस फोन मिलते हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं अगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलती है तो। अगर हम बात करें ओवरऑल फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर इस फोन का अच्छा है, वन हैंडेड यूसेज बढ़िया है, आप आराम से एक हाथ से यूज कर सकते हैं। 5 इंच का डिस्प्ले है, बेजल की थिकनेस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा लगी मेरे को, लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत नहीं आती है इस फोन को यूज करने में। अब हम बात करते हैं इस फोन के हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर इस फोन का अच्छा है क्योंकि स्वाइप ने डिसाइड किया है कि इस फोन के अंदर वो क्वालकॉम का हार्डवेयर देंगे जो है स्नैपड्रैगन 425, 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर सीपीयू आपको इस फोन मिल जाता है। साथ में मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे रैम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है स्वाइप ने, साथ ही साथ स्टोरेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और प्रोसेसर भी इस फोन में एक ऐसा दिया है जो स्टेबल है। अब हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस इस फोन की अच्छी है, डे टू डे यूसेज में आपको दिक्कत नहीं होगी, मल्टीटास्किंग में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं और हैवी गेम खेलते हैं तो उस केस में आपको ग्राफिक लैग मिलेगा और UI लैग मिलेगा। ऐसा कुछ हमने देखा है जब हमने इस फोन के ऊपर खेला है मॉडर्न कॉम्बैट 5, तो ऐसे में डेफिनेटली हैवी गेमिंग के लिए फोन नहीं बना है और हैवी गेमर्स के लिए तो डेफिनेटली ये फोन नहीं है। अगर हम बात करें इसके कंपटीशन की, कंपटीशन में आता है Redmi 3S और Redmi 3S गेमिंग के हिसाब से इस फोन से डेफिनेटली बेहतर है। कैमरा की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको अच्छे कैमरास मिल जाते हैं जिसमें आप अच्छी डे लाइट में फोटोज ले सकते हैं, आर्टिस्ट लाइट में भी फोटोज ठीक ठाक ले सकते हैं, लेकिन अगर लो लाइट में फोटोज लेंगे तो काफी नॉइजी आपको देखने को मिलेंगी फोटोज। अब हम बात करते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में और आपको दिखा देते हैं कुछ सैंपल्स। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक फ्रंट कैमरा सेल्फी ली गई है इसके फ्रंट कैमरा से जो कि अगेन ठीक दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आर्टिस्ट लाइट में सेल्फी ली गई है और अगेन मैं इस सेल्फी को थम्स अप दूंगा, बहुत ज्यादा हाई एंड तो नहीं है सेल्फी। अगर हम बात करें जूम इन करके, तो जूम इन करके आप देख सकते हैं कि पिक्सेलेशन और थोड़ी बहुत ब्लरीनेस आपको देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल कलर प्रोटेक्शन के मामले में, क्लैरिटी के मामले में ये फोटो जो है अच्छी आई है। एक और फोटो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो कि डे लाइट में ली गई है इसके रियर कैमरा से, और डे लाइट की फोटोज अच्छी दिखती हैं, रियर कैमरा से आप अच्छी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं अच्छी डिटेल्स के साथ, अच्छे कलर्स के साथ। तो ऐसे में रियर कैमरा में कहीं कोई कमी नहीं है, खासतौर से डे लाइट की परफॉर्मेंस जो है रियर कैमरा की अच्छी आ रही है कलर्स के मामले में और डिटेल्स के मामले में भी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी फोटोज के बारे में जो कि हमने ली हैं लो लाइट में। तो ये एक लो लाइट में ली गई फोटो है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी नॉइज आपको देखने को मिलेगी और ऐसे में लो लाइट में हल्की फुल्की कलर्स भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। एक और फोटो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो कि लो लाइट में ली गई है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की फोटो आपको मिलती है लो लाइट में जो कि अगेन नॉइज इसमें काफी है और कलर्स भी इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी ही फोटो अगर आप
आर्टिफिशियल लाइट में लेंगे जिसमें प्रॉपर लाइट होगी तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी। आर्टिफिशियल लाइट में आप अच्छी फोटोज ले सकते हैं और साथ ही साथ डे लाइट में भी अच्छी फोटोज ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी फोटो को लो लाइट में लेंगे तो आपको नॉइज देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कैमरा यहाँ पे प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं है तो कोई बुरे भी नहीं है, आपको एक डिसेंट कैमरा इस फोन में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। इस फोन मिलती है आपको 2500 mAh की बैटरी और ये 2500 mAh की बैटरी आपको मुश्किल से एक दिन का ही बैटरी बैकअप देगी। बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में मिलती है आपको एक छोटी बैटरी 2500 mAh की। 2500 mAh की बैटरी इस फोन में आपको मुश्किल से एक दिन का ही बैटरी बैकअप देगी। तो ऐसे में बैटरी का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि इस फोन में आपको HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिलता है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज है। ओवरऑल देखा जाए तो फोन का हार्डवेयर बैलेंस है, रैम ठीक ठाक दी गई है और मल्टीटास्किंग के लिए फोन कोई बुरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गेमर्स के लिए या फिर हैवी यूजर्स के लिए ये फोन अभी नहीं है, क्योंकि इसमें हैवी गेमिंग करने पे लैग हमें देखने को मिला है। ओवरऑल मैं कहूं तो कुछ चीजें अच्छी हैं यहाँ पे, कुछ चीजें बुरी हैं और वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन जो है ले सकते हैं इस नए फोन के बारे में जो कि आता है स्वाइप की तरफ से। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड मार्शमेलो और साथ ही साथ जो एंड्रॉइड की स्किन है वो काफी लाइट स्किन है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा और यूसेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अच्छी खासी रैम भी इसमें मिलती है। तो अगेन देखा जाए तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बिल्कुल लाइट रखा गया है, ब्लॉटवेयर इसमें नहीं है और UI यूसेज में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए अनलेस आप बहुत ही हैवी मल्टीटास्किंग इस फोन में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है क्वाड कोर है और हैवी मल्टीटास्किंग अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे, कुछ गेम चलाएंगे, वीडियो चलाएंगे बैकग्राउंड में, तो ऐसे में आपको UI लैग देखने को मिल सकता है, अदरवाइज डे टू डे यूसेज में दिक्कत नहीं आएगी एक नॉर्मल यूजर को। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फोन के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी हैं, वो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।